हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डिज्नी की नई मूवी जंगल क्रूज, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई है, उसके बारे में। और अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं मूवी के बारे में कोई भी मेजर स्पॉयलर्स नहीं बताने वाला हूँ। मूवी का जॉनर काफ़ी रिपीटेड है, जो है एक फैंटेसी एडवेंचर और उसमें कुछ कॉमेडिक एलिमेंट्स, और उससे भी ज़्यादा एक और रिपीटेड कॉम्बिनेशन है, वो है द रॉक और जंगल का कॉम्बिनेशन। जी हाँ, द रॉक को हमने इससे पहले देखा है वेलकम टू द जंगल में, जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड में, जुमानजी के दोनों पार्ट में, और अभी जंगल क्रूज में। तो डिज्नी ने भी सोचा होगा ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा चल रहा है तो उसे और कंटिन्यू करते हैं और एक और मूवी बनाते हैं द रॉक और जंगल की। तो शायद इसी आइडिया की वजह से हमें देखने को मिलती है जंगल क्रूज, जिसे डायरेक्ट किया है जोएम कॉलेट सेरा ने। डायरेक्टर की अगर पिछली कुछ मूवीज देखी जाए तो वो है हाउस ऑफ वैक्स, द शॉलोज, अननोन, नॉनस्टॉप, रन ऑल नाइट, द कम्प्यूटर। यानी कि इतनी कुछ इम्प्रेसिव फिल्मोग्राफी नहीं है, लेकिन इस डायरेक्टर की एक मूवी है जो मुझे काफ़ी पसंद आई थी, वो है ऑर्फन। अगर बात करें मूवी के स्टार कास्ट के बारे में तो ड्वेन जॉनसन और इमिली ब्लंट मूवी के मेन स्टार कास्ट है, और स्टोरी को यही दोनों आगे लेके जाते हैं। मूवी में और एक इंटरेस्टिंग कास्ट है जिसने विलन का रोल किया है, और वो है जेसी प्लेमंस। अगर आपने ब्रेकिंग बैड देखी है तो आप जेसी प्लेमंस को ज़रूर जानते होंगे। अब बात करते हैं मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में। तो मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी मेडिकोर और प्रेडिक्टेबल है, जो कि एक हर फैंटेसी एडवेंचर मूवी की होती ही है। तो मूवी में इमिली ब्लंट का जो कैरेक्टर है, जिसका नाम है डॉक्टर लिली, वो ढूंढने निकलती है टीयर्स ऑफ द मून को, जो कि एक मिथिकल ट्री है जिसके पत्तों से किसी भी बीमारी का इलाज किया जा सकता है। और इस काम में डॉक्टर लिली की मदद करता है फ्रैंक, जिसे प्ले किया है ड्वेन जॉनसन ने। और ये मूवी उनकी पूरी जर्नी है अमेजॉन नदी और जंगल में से टीयर्स ऑफ द मून तक। और उन्हें अपने मंजिल तक पहुंचने से पहले काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और यही आपको मूवी देखने से पता चलेगा। मूवी में द रॉक के कैरेक्टर को लेकर काफ़ी बड़ा ट्विस्ट है, जो हमें मूवी के बीच में ही पता चलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये ट्विस्ट हमें मूवी के क्लाइमेक्स में पता चलता तो उसका ज़्यादा बेटर इम्पैक्ट होता। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मूवी के एक्शन सीन्स के बारे में, तो एक्शन सीन्स काफ़ी एंटरटेनिंग है और एंगेजिंग भी है। हालांकि बहुत हेवी सीजीआई का यूज़ किया गया है, लेकिन मूवी का बैकग्राउंड म्यूज़िक काफ़ी इम्प्रेसिव है। मूवी का बजट लगभग 200 मिलियन डॉलर से, जो कि काफ़ी ज़्यादा है मेरे ख्याल से किसी भी एवरेज एक्शन एडवेंचर मूवी के लिए। जब भी आप मूवी देख के ख़त्म करोगे तो आपको एक कहीं भी नहीं लगेगा कि एक 200 मिलियन डॉलर वाली मूवी है। और अगर आपको ये मूवी पसंद आ चुकी है तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि इस मूवी का सीक्वल ऑलरेडी डेवलपमेंट में है, और जल्दी हमें इसके बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी। तो जंगल क्रूज के बारे में फाइनल टेक लिया जाए तो मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर आप बिना एक्सपेक्टेशन के साथ ये मूवी देखते हो, 2 घंटे का रन टाइम है और एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी है, तो आप अपने फैमिली के साथ भी ज़रूर एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर आप एक्सपेक्टेशन रख के जा रहे हो कि आपको कोई क्लासिक या फिर टिपिक मास्टरपीस देखने को मिलेगा, तो आप डिसअपॉइंट होने वाले हो। और अगर आप ये मूवी ऑलरेडी देख चुके हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी। थैंक यू।